The next topic of discussion is important terms related to the spherical lens. Spherical lens से related कुछ important terms हम at present discuss कर रहे हैं using the ray diagram. एक ray diagram आपकी screen के ऊपर है, एक spherical lens यहाँ पर draw किया गया है. ये जो spherical lens है उसके aperture को हम LL dash से denote कर सकते हैं. Lens के aperture के लिए LL dash से उसका denotion किया गया है. LL dash is called aperture of a lens. Lens का ये aperture है. Now what is the meaning of optical center? Optical center क्या होता है? ये जो lens का aperture है LL dash, उसका जो exact center होगा, the center of aperture is called optical center. Optical center में से pass होने वाला जो ray होगा, वो कभी भी refract होता नहीं है. It is traveling into the same direction without refraction. ये ऑप्टिकल सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कॉल्ड O. नेक्स्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. जैसे ये जो स्फेरिकल लेंस है उसके दो कर्व सरफेसेस है, सरफेस वन एंड सरफेस टू. ये जो कर्व सरफेस है ये एक स्फीयर का हिस्सा होंगे, बड़े से स्फीयर का हिस्सा. और दे कैन बी कट आउट फ्रॉम द बिगर स्फीयर, बड़े स्फीयर में से इनको कट किया होगा. ये जो बिगर स्फीयर्स है, ये स्फीयर का जो ओरिजिनल सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इन शॉर्ट ये पूरे स्फीयर का एक हिस्सा होगा, ये छोटा सा जो कर्वेचर पार्ट है. लेंस को कट डाउन किया जाता है, लेंस का ये जो पार्ट इट हैज बीन कटेड आउट फ्रॉम द कंप्लीट स्फीयर. जो कंप्लीट स्फीयर का सेंटर होगा दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर. जैसे लेंस के दो सरफेसेस होते हैं, दैट मींस लेंस हैज टू कर्व सरफेसेस, और इसीलिए लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो सकते हैं आइदर साइड. सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी या 2F से डिनोट किया जा सकता है. सो सी रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन बोथ द साइड, दे आर आल्सो कॉल्ड 2F. लेंस के दो कर्व सरफेसेस है इसलिए मैं इसको 2F1 और 2F2 से डिनोट करूंगा. 2F2 यहां सेंटर कॉल्ड C1 एंड सेंटर इज कॉल्ड C2. दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया हमने. अपर्चर, अपर्चर के बाद सेंटर ऑफ जो अपर्चर है उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर के बाद ये जो C1 और C2 है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. Now, after center of curvature, the next important term related to the diagram is called principal axis. Principal axis, ये जो black line आप देख सकते हो, this is called principal axis. An imaginary line passing through the center of curvature and optical center is called principal axis. तो ये जो है, it represents principal axis. Principal axis, aperture of lens, optical center, center of curvature, C1 and C2. Next, focus, point of focus. Focus क्या होता है? When a parallel beam of light, एक line मैंने यहाँ पर draw करी है, जो parallel to the principal axis है. ऐसी लाइंस जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो आफ्टर रिफ्रेक्शन, मतलब रिफ्रेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रेक्टिंग फ्रॉम लेंस, दे विल कन्वर्ज एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस. दे विल कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रेक्शन एंड आफ्टर कन्वर्जेंस दे विल पास थ्रू द सेम पॉइंट प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस पर जो एक पॉइंट प्रेजेंट है वो पॉइंट में से ये सारे रेज जो है वो आफ्टर रिफ्रेक्शन पास होंगे. यहां पर ये रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और जहां पर ये कन्वर्ज करते हैं ऑन द अपोजिट साइड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ फोकस. इसको पॉइंट ऑफ फोकस कहते हैं.
denoted by F. Opposite side पर इसमें 2F लूंगा. अगर lens के rays यहाँ से incident किए जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक F1 मिलेगा, focus. So F represents focus, C represents center of curvature. Aperture of lens LL dash, O is called optical center. Optical center में से हमने पहुंचे center of curvature तक C1 और C2. An imaginary line which is passing through the center of curvature and optical center is called principal axis. Principal axis के बाद हम discuss कर रहे point of focus. Point of focus की बात करें तो point at which after refraction the beam of parallel light converges, या एक ऐसा point जहां पर parallel incident beam of light जो है वो refraction के बाद एक दूसरे को intersect करता है, that particular point is called point of focus. एक और दो ये तरीके से दो focal points हो सकते हैं. Next, focal length. Now focal length is a distance. Distance between the point of focus and optical center is denoted as focal length, denoted by small f. इसको small f से कह सकते हैं. Focal length दोनों साइड पर कहीं पे भी आप represent कर सकते हो. Focal length f. It's basically a distance between the optical center and focus. The optical center and focus, distance between the optical center and focus is called focal length. Now, radius of curvature, which is denoted by R, and basically it's a distance between the optical center and center of curvature. The distance between the center of curvature and optical center is called radius of curvature, denoted by R. उसको R से denote किया जाता है. तो ये कुछ important terms थे related to the curve lenses. ये curve lens के important terms जो हमने अभी discuss किए हैं, focal length, radius of curvature, focus, center of curvature, aperture, optical center and principal axis for you.